एबीपी न्यूज पर जारी है योग उत्सव, योग सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर और सुबह से ही योग गुरु बाबा रामदेव से लेकर आचार्य प्रतिष्ठा, देश की जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स हमारे साथ हमारी इस कोशिश में जुड़ रहे हैं और हमारी इस कोशिश की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाकायदा ट्वीट करके ये कहते हुए की है कि ये एक इनोवेटिव पहल है जो एबीपी न्यूज की तरफ से की जा रही है योग को लोकप्रिय बनाने के लिए। और देखिए योग जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का जिम्मा जिनके कंधों पर है, केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा इस सत्र में अब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपका निवेदन करूंगी आपसे कि आप मंच पर आएं और इस सत्र का संचालन करेंगी मेरी सहयोगी नेहा पंत। नेहा, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर महेश शर्मा का। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री महेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। पेशे से डॉक्टर हैं और इनकी पार्टी और इनकी सरकार पर ये जिम्मा है कि देश की सियासी सेहत को भी सुधारें। हम इनसे जानेंगे कि योग इसमें इनकी कितनी मदद कर रहा है और राजनीतिक उथल पुथल और हलचल के बीच जब महेश जी आपको तनाव होता है तब आप योग का कौन सा आसन करते हैं, इस पे भी अगर आप अपनी बात रखें। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि वहां पोडियम पर जाकर के अगर महेश जी आप ये बता पाए कि योग सम्मेलन को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, योग मोदी सरकार आपकी सरकार के लिए कितना अहम है। आज मैं एबीपी न्यूज के इस को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि जो विधा योग जो कहते हैं आज एक वैश्विक क्रिया हो गई है, आज उस क्रिया का कहीं होम है, घर है, और वो घर है कोई और नहीं, हमारा महान देश भारत है। भारत की इस विधा को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का और उसका अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, 2014 में विश्व योग दिवस के रूप में स्वीकार्यता और आज एबीपी न्यूज के माध्यम से योग सम्मेलन का जो एक शुरुआत की गई है, मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। अभी मैं देख रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट पर भी इस योग सम्मेलन के आयोजन को बधाई दी है। ये एक संकल्प है, योग कोई व्यवस्था, कोई आस्था का विषय हो सकता है किसी के लिए, लेकिन पेशे से चिकित्सक होते हुए मैं इस बात को जानता हूं, इसका स्वयं मैं अपने जीवन में उपयोग करता हूं। अगर योगिक क्रियाओं का एक जीता जागता उदाहरण और योग के फल का एक जीता जागता उदाहरण आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। चार चार घंटे की मीटिंगें होती, कैबिनेट की और अन्यथा मीटिंगें होती हैं, मैंने उनको आज तक झपकी आते, छींक जमाई आते हुए नहीं देखा। और उनकी मेंटल अलर्टनेस, कभी कभी हम लोग अपने मंत्रालय से जुड़े हुए विषय पर थोड़े ज़्यादा अलर्ट होते हैं, जब कोई दूसरे मंत्रालय का विषय आता है तो थोड़े से सुस्त पड़ जाते हैं, लेकिन उनकी पूरे चार घंटे तक लगातार अलर्ट बनना, और हम सब लोग चिंतित होते हैं ना जाने कौन से कदम वो किस सवाल को हमसे किससे पूछ लेंगे, तो हम सब लोग भी उनसे प्रेरणा पाते हैं कि उतने ही अलर्ट हमें भी बने रहना है। आओ मानव मानवी, कम लेडीज एंड जेंटलमैन, चलें योग के पंथ। आओ मानव मानवी, चलें योग के पंथ, जिस पथ चलते सत्पुरुष, जिस पथ चलते संत, और वह रास्ता है योग का। कम लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स ज्वाइन द योगा, लेट्स मेक इट एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर, इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर लाइफ, विदाउट एक्सेप्शंस, विदाउट एक्सक्यूजेस। यू मे बी द मोस्ट बिजीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, बट इफ यू कैन नॉट
spare time for yourself, for your well-being, for your mental, physical, spiritual, intellectual well-being, I think you are not doing justice to yourself, justice to the humanity, justice to the God who has given you the responsibility to take care of your own body. Thank you very much. शुक्रिया महेश शर्मा जी, बहुत प्रभावी ढंग से आपने अपनी बात रखी. और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय मंत्री होने के साथ साथ आप पेशे से डॉक्टर हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर डायबिटीज के बारे में बात की थी और उनका संदेश यही था कि अगर योग लड़ेगा तो डायबिटीज डरेगा. एक साल बाद सर, आपको क्या लगता है, क्या साइलेंट किलर डायबिटीज से लड़ने में योगा सफल हुआ है? देखिए, डायबिटीज आज एक विश्वव्यापी समस्या है और डायबिटीज और हार्ट डिजीज का जेनेटिकल प्रीडिस्पोजल हमारे देश में माना गया है. शहरीकरण, बदलती हुई जीवन शैली, फिजिकल एक्सरसाइज का कम होना, जैविक क्रियाओं के अंदर मेंटल स्ट्रेस का बढ़ना, ये सभी कारण कहीं ना कहीं डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. और अगर इसका मैं एक एंगल मानूं, जिसे स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं, और इंसुलिन की मात्रा का कम होना, इन दोनों ही विषयों में योगा का बहुत बड़ा योगदान है. मैं समझता हूं योगा के कुछ आसन हैं जो इंसुलिन की मात्रा को बढ़ने में सहायक होते हैं. और दूसरा विषय है कि आपने भी सुना भी होगा, मैं इसका चिकित्सकीय भी प्रूफ दे सकता हूं, कि जहां स्ट्रेस की स्थिति ज्यादा होती है, डायबिटीज के विकार वहां पर बढ़ते चले जाते हैं. तो उन आसनों के माध्यम से हम इंसुलिन की मात्रा को प्राकृतिक दृष्टि से बढ़ा सकते हैं. उन स्ट्रेस फ्री क्रियाओं के माध्यम से, जिस मेडिटेशन, जिस योगा और जिस प्राणायाम की, योगा के जो दो अंग हैं हमारे, प्राणायाम के माध्यम से जब हम चैंटिंग करते हैं, लंबी चैंटिंग ओम की या किसी भी मंत्र की जब हम चैंटिंग करते हैं, तो एक स्ट्रेस फ्री अवस्था के अंदर पहुंचते हैं. और स्ट्रेस फ्री अवस्था के साथ डायबिटीज का बहुत बड़ा कंट्रोल योगा के माध्यम से किया जा सकता है. और मैं समझता हूं आज यह हम भारतवासियों की जरूरत है कि हम इस योग के माध्यम से, जिन लोग इंसुलिन पर हैं, जो दवाई की हाई डोजेज पर हैं, उनकी मात्राएं कम हो जाएंगी, और जो लोग अभी प्री डायबिटिक स्टेज में हैं वो उन दवा खाने से बच जाएंगे, और जिनको कुछ भी नहीं है वो अपने जीवन के 10 साल आगे, 15 साल आगे इस डायबिटीज की भेंट उन्हें मिले उससे बच जाएंगे. मुझे ध्यान है आज से 30 साल पहले जब मैं प्रिस्क्रिप्शन लिखता था, 15 रुपये मेरी फीस थी, तो मैंने उसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी कि आप ये करें, नमक के गरारे करें, ये करें, और दवाई उसमें कुछ भी नहीं थी. हमने कहा 15 रुपये निकालिए, तो एक देहाती आदमी आया, बोले साहब इसमें 2 पैसे की कागज और 2 पैसे की शाही, तो इसमें दवा तो आपने लिखी नहीं, तो 15 रुपये फीस किस बात की? तो आप समझिए वो श्रेणी के लोग, चाहे वो हमारे धर्म गुरु रहे हों, चाहे हमारे योगा गुरु रहे हों, उनका बहुत बड़ा योगदान है प्रिवेंटिव मेडिसिन में. मैं आज बाबा रामदेव, जग्गी वासुदेव जी, डॉक्टर नरेंद्र जी और सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने योग को एक आंदोलन के रूप में बनाकर भारतवासी नहीं, विश्व के लोगों में एक परिवर्तन लाया है. मैं चाहूँगा कि हम सलाम करें उस श्रेणी के डॉक्टर को जो रोग होने से बचने में हमारी मदद करते हैं. महेश जी, एक सवाल ये भी यहाँ पर सामने आता है कि जब हम बात करते हैं योगा की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जो मोदी सरकार के प्रयासों से एक दिन बना जब सब लोग इस बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके आगे पीछे भी पूरे साल भर योग लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बने, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, खाली एक दिन हम कोई दिवस सेलिब्रेट कर ले, उससे कोई हित ना योग का होने वाला है ना हमारा होने वाला है. जब तक हम इसको जीवन का अंग ना बना लें, दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा ना बना लें, एक जरूरत ना बना लें, एक जीवन की शुरुआत करने की एक शैली ना बना लें, तब तक हम इसका फायदा नहीं उठा सकते. हम ये कह सकते हैं कि सप्ताह में हमने 6 दिन किया, 5 दिन किया, मजबूरियां जिनकी हो सकती हैं, लेकिन अगर हमारी सोच ये है कि मुझे योगा के माध्यम से, मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन मेरा योगा किसी वजह से, फ्लाइट या किसी कारण से उससे छूट जाता है, मेरे दिल में एक ग्लानि भाव रहता है कि आज मैंने योग नहीं किया. लेकिन अच्छी बात है कि योगा के साथ फायदा यह है कि अगर हम, बेहतर यह है कि हम सवेरे के समय करें, लेकिन अगर नहीं है तो योग की कुछ क्रियाएं, कुछ आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, हम
किसी भी वक्त किसी भी समय गाड़ी में बैठे हुए भी, किसी होटल में बैठे हुए भी, फ्लाइट में बैठे हुए भी उसके बहुत सारे हिस्से हम कर सकते हैं। महेश जी, एक सवाल और है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय की तरफ से एक बुकलेट जारी की गई है, आपको पता भी होगा उसके बारे में, जिसमें गर्भवती महिलाओं को अच्छा बच्चा प्राप्त हो इसके लिए अंडा ना खाना, मांसाहार ना खाना, ये तमाम चीजें उसमें कही गई हैं। एक डॉक्टर होने के नाते आप इस पर क्या कहेंगे, ये साइंटिफिक बात है या इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है? कोई भी व्यवस्था, एनी एक्सप्लेनेशन, एनी स्टेटमेंट अंटिल अनलेस सपोर्टेड बाय वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। कोई भी मेरी स्टेटमेंट में किसी को कुछ भी कह दूं, जब तक उसके पीछे वैज्ञानिक तर्क नहीं है, उसकी कोई महत्व नहीं है, ना उसकी स्वीकार्यता हो सकती है। तो मैं समझता हूं कोई भी विषय उस बुकलेट में लाया गया है उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई उद्देश्य, कोई रिसर्च रही होगी। सर, आप तो डॉक्टर हैं, आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि जो अंडा न खाने और मांसाहार की बात कही जा रही है क्या वो सही है, क्या वाकई में गर्भवती महिला को करना चाहिए? मैं डॉक्टर जरूर हूँ लेकिन मैं उस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ और उस विषय पे बिना विशेषज्ञ हुए कोई राय देना उचित नहीं होगा। सर, चलते चलते बस आखिर में बहुत संक्षेप में, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, कई लोग आज के सेशंस के बाद ये चाहते होंगे वो योगा करें, लेकिन दिन की ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसके बाद आपको लगता है आपके पास वक्त ही नहीं बचा है, तो उन लोगों को अपने जीवन में योगा अपनाने के लिए आप संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि योग एक ऐसी क्रिया है कि जिसके लिए अगर आप अपने आप से ये कहते हैं कि आपके पास इतने व्यस्त हैं कि आपके पास कुछ योग करने के लिए समय नहीं है, तो आप अपने शरीर के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति कहीं ना कहीं गुनाह कर रहे हैं। और अगर कहीं ना कहीं आप अनऑर्गेनाइज्ड हैं, अगर आप 20 से 30 मिनट का समय अगर योगी प्रक्रियाओं के लिए नहीं निकाल सकते, तो आपको अपने आप से क्षमा मांगनी पड़ेगी। आप अपनी सभी प्रक्रियाओं में से बचाकर कहीं ना कहीं 30 मिनट का समय, और सबसे बड़ी बात है कि इतनी सर्वप्रवृत्ता किसी और क्रिया की नहीं हो सकती। आप बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बॉल खेलते हैं, कुछ करते हैं, टीवी देखते हैं, उसके लिए कुछ चाहिए, लेकिन योगा के लिए तो खाली आपको 20 मिनट का समय सवेरे से लेकर रात तक किसी वक्त भी आपको मिल जाए तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे मैं समझता हूं कि इस विषय में कोई संशय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेश शर्मा जी, आप यहां आए, एक डॉक्टर के नजरिए से, सरकार के मंत्री के नजरिए से आपने योग के फायदे बताए। उम्मीद करते हैं कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक ही योग सीमित ना हो बल्कि हम सबके प्रयास से ये जीवन जीने की एक कला बने, जीवन शैली बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर महेश शर्मा। और योग का जो विस्तार है वो अपार है और इसे परिभाषित करना बेहद कठिन, लेकिन जिस तरीके से आपने योग के भाव को पिरोया कि मानव की नस्ल सुधारना, वो अपने आप में योग को पूर्ण भाव में प्रस्तुत करता है। मैं निवेदन करूंगी एबीपी न्यूज के एडिटर श्री मिलिंद खांडेकर से कि वो मंच पर आएं और सम्मानित करें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा को। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।